दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के जितने भी प्रश्न जो आज तक किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अथवा पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सब का रिविज़न एवं प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए हमारा स्पेशल फोकस पेट के सिलेबस में सामान्य हिंदी के पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों पे होगा। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा पद है? आपको बताना है ये 100 गुना लंबा, इसमें कौन सा वाला विशेषण है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति 100 गुना, पहला 1 गुना, 2 गुना, ऐसे ही 100 गुना आवृत्ति हो रही है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है निम्नलिखित जो दिया है सेंटेंस ऑप्शन, उसमें से एक विशेषण अशुद्ध है। तो आप देखिए ऑप्शन पढ़िए, सुंदरी लड़की, ये तो होता ही नहीं है, सुंदर लड़की होता है, ये गलत ही होगा, सुंदर लड़की, अच्छा सुंदर लड़का या सुंदर लड़के, इसमें से एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध एक ही है, बाकी तीनों सही है, तो ये अशुद्ध वाला ही पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, शुद्ध को अंडरलाइन कर लेना है, शुद्ध कौन सा है? मैं अनेकों बार नहीं होता है, ये तो अशुद्ध होगा ही। सेकंड, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा, नापा नहीं मापा होता है, शुद्ध इसका मापा, और बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और नेक्स्ट, आप केवल इतना ही काम कर लीजिए, केवल और ही नहीं यूज़ करते दोनों, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये इसका शुद्ध है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसको चूज करना है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, अच्छा नेक्स्ट, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त के साथ मात्र नहीं आता, या तो समस्त प्राणी का कल्याण करो या तो प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये सही, तो ये गलत हो जाएगा, और ये भी मुक्त कंठ से बड़ाई की नहीं, ये भी गलत होता है। और लास्ट है ये डी, आपकी आयु 40 वर्ष, तो आयु नहीं आता है, या तो उम्र आता है यहाँ पे, या तो अवस्था आती है, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये शुद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या बोला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, अशुद्ध शब्द तद्भव, तो इसमें क्या, अंगना, गयंद, वानर या फिर अंगी, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगना, बाकी सब शुद्ध हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है। 26 क्या पूछ रहा है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, खेलना से कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्या दिया, दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या फिर धार्मिक, खेलना से खिलाड़ी बनता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में इसको बनाना है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, चोर का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है जो चोर है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खनक, उदक, धूसर या फिर जलचर, ये खनक जो होता है इसको चोर का पर्यायवाची बोलते हैं, खनक, चोर। ओके, तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विशेष शब्द है, विशेष मतलब होता है नाउन, एक संज्ञा, इसको ऐसे आप याद रखिए, संज्ञा, तो विपन्न, वादी, विशिष्ट नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर मानस होगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट नंबर 30, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आशु कवि, मतलब ये होता है जो व्यक्ति तुरंत ही कविता का सृजन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या बोलते हैं हम? आस्थावान या आस्तिक, आस्तिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम बोलते हैं आस्तिक,
और जो विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं हम नास्तिक। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं, पांडु शब्द है विशेषण की दृष्टि से क्या है, आपको बताना है पांडु क्या है इसका। आपके ऑप्शन सामने हैं, केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, या फिर उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, इसमें से कौन सा है। पहला है रचयिता, इसे ई में बड़ी की मात्रा होती है, ये गलत हो जाएगी। अनाधिकार होता है ये, आ की मात्रा नौ पे नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चिन्ह भी ऐसे नहीं लिखते हैं। और अनुकूल, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, अनुकूल बिल्कुल सही है। ओके, 33 का ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रहास का पर्यायवाची है चंद्रहास, जो कि आपने अगर सीरियल वगैरह देखा होगा, जो रावण था उसके पास भगवान शिव ने चंद्रहास दिया था। चंद्रहास कैसे दिखता था, कैसे, एक तलवार जैसी, तो ये तलवार इसका ऑप्शन कौन सा है, बी, ये करेक्ट हो जाएगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जीव का पर्यायवाची आपको बतानी है। तो जीव का पर्यायवाची क्या है, वचन, रसना, ध्वनि या फिर जीव। तो जीव रसना, रस लेती है ना, जो रस लेने वाली है। तो इसका 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी, जैसे होता है ना वसुधैव कुटुंबकम, वैसे। तो वसुधा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विपुला, सवरी नहीं हो जाएगी, पयस्विनी, ये सब नहीं होगा, विपुला। इसका करेक्ट 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गोधूम का तत्भव शब्द है, तत्भव। गोधूम किस चीज़ का तत्सम है, तो आपके ऑप्शन से गोह या गेहूं होती, गेहूं का होता है, गेहूं का संस्कृत रूप है गोधूम, जो तत्सम रूप है, और इसमें पूछ क्या रहा है, गोधूम का तत्भव, तो गेहूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका उल्टा क्या होगा, कृत्रिम, ऑब्वियसली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए, अपर्णा किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी देवांगना, ऑप्शन सी आराधना, या फिर ऑप्शन डी पार्वती। तो किसका आंसर है, किसका पर्यायवाची है, तो ये जो अपर्णा शब्द है ये पर्यायवाची है माता पार्वती का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है एक शब्द कौन सा है जो विशेषण नहीं है। अकूत नहीं, ये तो विशेषण है। अचंड और अकर्ण मतलब जिसके कान ना हो, अचंड भी नहीं। अचार एक संज्ञा है, अचार जो खाते हैं ना वो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को शेयर करें।